नमस्कार, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीएससी पार्ट सेकंड के लिए यूनिट सेकंड शुरू की है अल्कोहल्स, और जिसका हम अगला लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 16, और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में ये यूनिट समाप्त हो जाए। तो आपको पता होगा हमारे क्या चल रहे थे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स चल रहे थे। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख ली थी कि किस तरह से उनको बनाया जाता है, और हमने क्या देखे थे, उनके कुछ रिएक्शंस देख लिए थे कि कैसी रिएक्शन देते हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम आगे और रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की रिएक्शंस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में होती हैं, और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करके हम क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, हमारा फिनॉल शुरू करेंगे हम। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, कई बार आई कि मैम फिनॉल अल्कोहल के बाद फिनॉल करा दें, तो ये यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिनॉल शुरू करेंगे। आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको याद हो, क्या चल रहे थे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। तो क्या चल रहे थे, रिएक्शंस ऑफ, सॉरी, डाई नहीं, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स चल रही थी। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की अभिक्रियाएं चल रही थी। हमने एक रिएक्शन, लास्ट वाली जो वीडियो थी, हमने उसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी PCl3 के साथ। ठीक है, और मैंने बोला था जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन होती है, बिल्कुल वैसे ही PCl5 के साथ भी रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म मैंने PCl3 में करा रखा है, तो दोबारा नहीं कराऊंगी। जो जो बच्चों को लगता है कि हर रिएक्शन में, हर स्टेप में, चाहे वो दोबारा करा रखा हो, तिबारा करा रखा हो, बार बार रिपीट करें, तो वो बच्चे थोड़ी सी मेहनत करें, वरना तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुमको सब कुछ पका पकाया चाहिए, ऐसा नहीं होता, कुछ मेहनत खुद को भी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ तुम्हारा सिलेबस जो है वो ज़िंदगी में कंप्लीट ना हो कभी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम रिएक्ट कराते हैं, ये हमारे पास ग्लिसरॉल CH2OH ग्लिसरॉल है। मैं इसकी जब रिएक्शन कराऊंगी किसके साथ, PCl5 के साथ, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे PCl3 के साथ हुई थी। तो एंड में क्या होगा, तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और इनकी जगह पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। ये जो है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है, FGT, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, बदल गया, हाइड्रोक्सिल से क्या आ गया, क्लोरीन क्लोराइड ग्रुप आ गया, प्लस बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा POCl3 बाहर निकलेगा, और प्लस 3 HCl। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, POCl3 प्लस 3 HCl। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा PCl3 के साथ कराया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन करता है PCl3 और PCl5 के साथ। ठीक है, अगर हम PCl3 की जगह PBr3 ले लें, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी जैसी PCl3 है। तो मैं लिख सकती हूँ PBr3 के साथ अभिक्रिया PCl3 के समान होती है, समान होती है। यानी कि अगर PCl3 की जगह मैं PBr3 ले लेती, तो भी रिएक्शन जैसे मैंने PCl5 के साथ कराई, ऐसी पिछले रिएक्शन में मैंने रिएक्शन PCl3 के साथ कराई थी, अब अगर मैं PBr3 ले लूँ तो भी सेम रिएक्शन होगी जैसे PCl3 के साथ हुई थी, प्रोडक्ट सेम बनेगा। बस यहाँ पर जो तीन क्लोरीन ग्रुप आए हैं उनकी जगह पर कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, बाकी का तो सेम मैकेनिज्म, सेम प्रोडक्ट सेम बनेगा। ठीक है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। इनके साथ तो रिएक्शन सेम होती है, लेकिन अगली रिएक्शन देखते हैं, वो है PI3। PI3 के साथ रिएक्शन सेम नहीं होती जैसे PCl3 और PBr3 रिएक्ट करते हैं, उस तरह से PI3 रिएक्ट नहीं करता। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है PI3 के साथ अभिक्रिया। देखते हैं PI3 के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो ये है हमारे पास, जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी PI3 के साथ, तो क्या होगा, वही FGT रिएक्शन होगी, तीनों OH ग्रुप निकल जाएंगे, और उनकी जगह कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, CH2I, CHI, CH2I। बिल्कुल उसी तरह जैसे PCl3 के साथ रिएक्ट कराई थी, तो तीनों CL ग्रुप आ गए थे। PBr3 के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो तीनों BR ग्रुप आ जाएंगे, और PI3 के साथ रिएक्ट कराई तो उसी तरह सीधे तीनों क्या आ गए, II ग्रुप आ गए। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज होता है, ये जो प्रोडक्ट बना ये स्टेबल है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा, कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा। आयोडीन का साइज है ये, कार्बन का साइज है ये, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, बहुत लंबा होता है। वीक होगा तो कैसा होगा, लंबा, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड बहुत वीक होता है, और वीक बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाता है।
वीक बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाता है, और टूट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से आयोडीन बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? आयोडीन, आई टू गैस बाहर निकलेगी यहाँ से, और क्या बन जाएगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगी यहाँ पर, है ना, CHI। ये कौन सा ग्रुप है, अभी भी मैंने बताया था एलाइल ग्रुप है, और आयोडीन लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, एलाइल आयोडाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एलाइल आयोडाइड। तो Pi3 के जो साथ रिएक्शन होती है उसमें ये जो प्रोडक्ट बना ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, और बड़ा साइज होने की वजह से ये क्या कर देता है, ये बॉन्ड को वीक कर देता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ से आई टू गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, आई टू गैस बाहर निकल जाती है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, एलाइल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आगे कौन सी रिएक्शन होंगी। जो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। जो अभिक्रिया हम देखने वाले वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, HX यहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। यहाँ पर X क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। तो इनके साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहली रिएक्शन देखेंगे वो हम देखेंगे HCl और HBr के साथ। तो पहली रिएक्शन किसकी होगी, ग्लिसरॉल के HCl और HBr के साथ। और जब HCl और HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो दोनों सेम रिएक्शन होती है, यानी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस क्या होगा, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, तो इनका मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो मैं HCl के साथ दिखाऊंगी आपको, ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमने जब रिएक्शन कराई थी HCl के साथ, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम ग्लिसरॉल को जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब तक हम जो कर रहे थे उनमें एक प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन अब एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। और वो मिश्रण कैसा होगा वो हम देखते हैं कि कैसा मिश्रण होगा, कैसे मिश्रण मिलते हैं हमको। ये है हमारे पास CH2OH, CHOH, CH2OH। इसकी रिएक्शन कराऊंगी मैं HCl के साथ। क्या होगा, क्या होगा, HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या देता है, H+ देता है और Cl- देता है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, ये दोनों तो सेम है 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन ये कैसा है 2 डिग्री। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्ट कौन करेंगे, 1 डिग्री में से कोई एक करेगा, या तो ये वाला ग्रुप करेगा या तो ये वाला ग्रुप करेगा, और एक बार में केवल एक ही ग्रुप रिएक्ट करेगा, है ना, एक बार में केवल एक ही ग्रुप रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन कराएंगे तो मान लो ये वाले OH ग्रुप ने रिएक्ट किया तो H+ बना, ठीक है, OH2+ H+ को ले लिया, और क्या हुआ, ये बना CHOH, CH2OH ये बना। फिर क्या होगा, यहाँ से Cl- है, Cl- है, वो क्या करेगा, अटैक कर देगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से कौन बाहर निकला, H2O बाहर निकला, और क्या बना, ये बना CH2Cl, CHOH, CH2OH। कौन सी पोजीशन है ये, अल्फा, तो इसका नाम क्या है, अल्फा क्या था, ग्लिसरॉल लिया था हमने, ग्लिसरॉल में अल्फा मोनो क्लोरोहाइड्रिन बना। क्या बना ये, ग्लिसरॉल अल्फा मोनो क्लोरोहाइड्रिन प्लस। हो सकता है ये वाला ग्रुप ना रिएक्ट करके ये वाला ग्रुप रिएक्ट कर जाए, कौन सा, ये वाला ग्रुप रिएक्ट कर जाए। मैंने बोला ना मिश्रण प्राप्त होता है, तो मिश्रण कैसे प्राप्त होगा,
अब मान लो H प्लस ये वाला हाइड्रोक्सिल नहीं लेता, कौन सा ले रहा है, ये वाला ले रहा है, ये वाला लेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2 प्लस, यानी कि जो OH2 प्लस यहाँ बना है वो यहाँ बनेगा, फिर Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा, ये बन जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये मिल सकता है CH2 OH, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, CH Cl बन जाएगा और CH2 OH, तो इस तरह से हमें मिश्रण मिलता है। ये भी क्या है, ये कौन सी पोजीशन थी, बीटा, तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन, बीटा ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन बना। तो इस तरह से हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, लेकिन इस मिक्सचर में कोई ज़्यादा प्राप्त होगा और कोई कम प्राप्त होगा, तो कौन ज़्यादा प्राप्त होगा बता सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये वन डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो टू डिग्री अल्कोहल होता है ये कम रिएक्टिव होता है, तो ये क्या बनाएगा, ये कम प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। तो इसमें दोनों पर रिएक्शन हो सकती है, वन डिग्री पर भी हो सकती है, टू डिग्री पर भी हो सकती है, लेकिन वन डिग्री ज़्यादा रिएक्ट करेगा इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और टू डिग्री कम रिएक्ट करेगा इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म बता दिया है किस तरीके से होगा, वैसे तो मैं मैकेनिज्म नहीं बताती लेकिन अभी बता दिया है, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, मैकेनिज्म को अलग से लिख लीजिएगा। चाहे लिखा रहने दीजिए, समझ तो गए होंगे, छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग जो चीज़ें समझोगे नहीं, ठीक है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती, तुम तो सेकेंड ईयर में आगे काफ़ी बड़े हो गए, है ना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस को लिया है और क्या बना लिया, OH2 प्लस, एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया, Cl माइनस ने पीछे से अटैक किया, OH2 प्लस बाहर निकल गया, ऐसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी, हो सकता है ये वाला ना रिएक्ट करके ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करे, इसके लोन पेयर H प्लस को ले लेंगे, क्या बना लेंगे, OH2 प्लस बना लेंगे, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें एक मिक्सचर प्राप्त होगा जिसमें एक मेजर होगा और एक माइनर, लेकिन लेकिन अगर हम ये रिएक्शन, यही रिएक्शन HCl के एक्सिस में कराएं, एक्सिस मतलब जहां पर हम HCl की मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, यानी HCl के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, तो जब HCl के मॉलिक्यूल, यहां पर तो HCl के मॉलिक्यूल कम थे इसलिए केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैक किया, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैक किया, लेकिन यहां तो हम एक्सिस में ले रहे हैं, HCl के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, तो हो सकता है कि एक से ज्यादा क्या करें, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैक कर दें, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैक कर दें। अच्छा, और याद रखना ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये हाई टेम्परेचर पर होती हैं, टेम्परेचर लिखना भूल गई, हाई टेम्परेचर पर होती हैं, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर पर हुई है तो ये भी तो होगी हाई टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ पर HCl क्या है, एक्सिस में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो एक साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर नहीं, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन हो सकती हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी मिक्सचर मिलेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, लेकिन कैसे, एक तो मिलेगा ये, और एक मिलेगा हमको, हो सकता है इस पर रिएक्ट करे और इस पर रिएक्ट करे, इस पर रिएक्ट ना करे, यानी कि जैसे ही हम HCl एक्सेस में लेंगे तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, वन डिग्री, वन डिग्री, ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन इन पर सबसे ज्यादा होगी, तो क्लोरीन इन पर बना, तो मैंने बना दिया दोनों पर क्लोरीन, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर, क्योंकि वन डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन ये कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म सेम है जैसे यहाँ पर बताया, H प्लस ले लेगा, ये भी H प्लस ले लेगा, क्योंकि HCl एक्सिस में है तो ये वाला भी H प्लस ले सकता है, और दोनों H प्लस ले लेंगे, OH2 प्लस बनाएंगे, Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, हो सकता है ये वाला रिएक्ट ना करे, ये और ये रिएक्ट करें, तो ये OH2 प्लस बनाएंगे, Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, बस ये प्रोडक्ट बनेंगे, इनका नाम दूं तो ये कौन सी पोजीशन थी, अल्फा, ये कौन सी थी, अल्फा प्राइम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल अल्फा, अल्फा प्राइम, कितने क्लोरीन है अब, तो डाई है, तो डाई क्लोरो हाइड्रिन, ऐसे ही ये अल्फा पोजीशन है और ये क्या है, बीटा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा
ग्लिसरॉल, अल्फा बीटा डाइक्लोरो हाइड्रिन। तो इस तरह से हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, वो मैंने बता दिया है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर आगे की रिएक्शंस देखते हैं। जिस तरह से HCl के साथ रिएक्ट किया है, उसी तरह से बिल्कुल HBr के साथ रिएक्शन होगी, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म सेम होगा, बस क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। लेकिन जब HI के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सेम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम HI के साथ, जैसा कि मैंने बोला HI के साथ रिएक्शन सेम नहीं होगी। देखते हैं जो सेकंड रिएक्शन कराएंगे हम इसमें, वो किसके साथ है, HI के साथ अभिक्रिया। HI के साथ अभिक्रिया में क्या होगा देखते हैं। ये लिया है हमने CH2OH, CHOH, CH2OH। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी HI के साथ तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे Pi3 के साथ हुई थी। जैसे Pi3, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने Pi3 के साथ रिएक्शन कराई है ना, बिल्कुल वैसे ही समान होगी, बिल्कुल रिएक्शन वैसे ही होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि इसकी जो अभिक्रिया है वो किसके समान होगी, Pi3 के समान होती है। तो लिख दूंगी यह अभिक्रिया किसके, Pi3 के समान होती है। यानी कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, एलाइल आयोडाइड का निर्माण होता है, एलाइल आयोडाइड बनेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, जैसे Pi3 के साथ रिएक्शन हुई, मैकेनिज्म भी वैसा ही रहेगा जैसे PCl3 के साथ लिया था मैकेनिज्म, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जैसे HCl के साथ हमने मैकेनिज्म किया, बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, सारे के सारे OH ग्रुप किससे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, आयोडीन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि HI जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव अम्ल है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, तो इसलिए क्या होंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं आयोडीन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया ये आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होता है, तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, I2 जो है वो बाहर निकल जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I। ये क्या है हमारे पास, एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे Pi3 के साथ हुआ था। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे Pi3 के साथ बनी थी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन हुई, एलाइल आयोडाइड बना। लेकिन लेकिन जब अभिक्रिया HI की अधिकता में कराई जाती है, यानी जब हम HI क्या ले लें, एक्सिस में ले लें, अधिकता में कराई जाती है, तो एलाइल आयोडाइड आगे HI के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यानी कि सेम रिएक्शन अगर हम HI के साथ कराएं एक्सिस में, यानी जब हम HI क्या ले लें, एक्सिस में ले लें, तो पहले तो यही बनेगा, पहला तो रिएक्शन यही होगा, तीनों OH ग्रुप निकलेंगे, तीनों पे आयोडीन आयोडीन आएंगे, फिर क्या बनेगा, एलाइल आयोडाइड बनेगा। एलाइल आयोडाइड जैसे ही बनेगा, रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, जब हमने HI एक्सिस में लिया है तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी। ये रिएक्शन तो हो गई यहाँ पर स्टॉप, क्योंकि HI एक्सिस में नहीं है, लेकिन जब हम HI एक्सिस में लेंगे ये तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी रिएक्शन, और आगे रिएक्शन होगी। तो पहले तो यही बनेगा, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यही ले लूँ, एलाइल आयोडाइड ले लूँ, बार बार क्या बनाऊंगी, आप तो पूरा ही बनाना, पहले एलाइल आयोडाइड, पहले ये बनाना इससे ये, फिर वो बनाना, फिर आगे रिएक्शन करना। चाहे तो तुम्हारे लिए पूरा ही कर दूँ, तुम लोगों से तो कुछ भी नहीं होता ना, मैं ही कर देती हूँ, तुम लोगों से तो कुछ भी कहना बेकार है। एक्सिस में लिया है तो सबसे पहले क्या होगा, वही जो होता है यहाँ जो ऊपर हुआ था, तीनों OH ग्रुप निकल जाएंगे, उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, IO2- निकल जाएगा यहाँ से,
और बचेगा क्या, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू आई, फिर यहाँ पर रिएक्शन होगी एच आई के साथ, ठीक है। एच आई में क्या होता है, एच प्लस होगा और आई माइनस होगा, एच आई में क्या है, एच प्लस है और आई माइनस है, और यहाँ पर क्या है, एल्कीन है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं एल्कीन है, एच आई है, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, तो इसका क्या होगा, एडिशन होगा। कौन सा एडिशन, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार, याद है ना आपको मार्कोनिकोफ नियम, तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा। तो एच प्लस यानी पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होगा पहले यहाँ शिफ्ट होगा कार्बन पर, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बना लेगा, सी एच थ्री बना लेगा। जैसे ही ये कार्बन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल होता है, और ये कार्बोकैटायन पर कौन अटैक कर देगा, आयोडीन, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा सी एच, और यहाँ पर आ जाएगा आई, और ये हो जाएगा सी एच टू आई, क्या हुआ ये बना, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बना मार्कोनिकोफ एडिशन हुआ, या तो आप मार्कोनिकोफ एडिशन कीजिए, या फिर जैसा कि मैंने बताया था कोई मार्कोनिकोफ नियम कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक जुगाड़ है, होता क्या है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो आप स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइए। इस कार्बन ने H प्लस जैसे ही ले लेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा कौन सा, 2 डिग्री जो कि स्टेबल होता है, उस पर कौन अटैक कर देगा, आई माइनस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर से ये वीक बॉन्ड है, माइनस आई टू हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब ये बन गया एलाइल बन गया, क्या बना, एलाइल बना, ठीक है। अब क्या होगा आगे, फिर से एच आई का एडिशन होगा, यहां लिख देती हूँ, दिख रहा होगा सी एच थ्री, ये है ना हमारे पास, ऐसे लिख देती हूँ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये बना दोबारा, क्योंकि एच आई तो एक्सिस में है, दोबारा एडिशन होगा, फिर से वही मार्कोनिकोफ एडिशन, हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, आयोडीन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या बना लेगा, सी एच थ्री सी एच आई, और यहां पर भी क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, ये क्या बन गया हमारे पास, बन गया ये आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, क्या बनाइए, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। तो जब हम एक्सिस में लेते हैं तो रिएक्शन कहाँ पर जाकर खत्म होगी, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड पर जाकर रिएक्शन खत्म होती है, तो इस तरह से पूरी रिएक्शन होगी, और कहाँ पर खत्म होगी, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड पर जाकर रिएक्शन खत्म होगी जब हम एच आई को एक्सिस में लेते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और रिएक्शन देखते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, आपको याद होगा एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाते हैं कंसेंट्रेट HNO3 और कंसेंट्रेट H2SO4 को मिलाकर, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहां पर क्या होगा, जब कंसेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में HNO3, ये भी कैसा है, कंसेंट्रेट HNO3 ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन बनाता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन बनाता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या है, ये एक विस्फोटक पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, विस्फोटक, यानी कि अगर हम TNG बना, इसको रैपिडली हीट करें, बहुत हीट करें इसको बहुत ज़्यादा, तो इसमें बूम विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं ये क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, तो ये जो TNG है एक क्या है, एक कैसा द्रव है, येल्लो कलर का कंपाउंड बनता है, कैसा, येल्लो कलर का, तो ये क्या है, एक रंगीन तेलीय द्रव है, ये जो TNG बनता है एक येल्लो कलर का कंपाउंड होता है, तो ये किसी ने रंगहीन सुना होगा, रंगहीन नहीं होता, ये रंगीन है, रंगीन तेलीय द्रव होता है, येल्लो कलर का कंपाउंड बनता है, वो भी कैसा, ऑयली लिक्विड बनता है येल्लो कलर का, कैसे रंग का, येलो ऑयली लिक्विड बनता है, ठीक है, येलो ऑयली लिक्विड बनता है।
और यह किसके यूज में होता है? यह डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि इसे जब हम क्या करते हैं, इसे गर्म करने पर इसमें क्या हो जाता है, इसमें विस्फोट, इसे मतलब टीएनजी, जब हम टीएनजी को रैपिडली हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसके अलावा ये कैसा होता है, इसका व्यवहार थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, जहरीला टाइप कह लो। अगर टीएनजी को आपने सर पे लगा लिया, माथे पर लगा लिया, तो आपको तुरंत हेडेक शुरू हो जाएगा, सर दर्द शुरू हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा टॉक्सिक भी होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये है, कैसे होगा ये रिएक्शन, CH2OH, CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे, तो मैं HNO3 को ऐसे लिख दूं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नेजली कारक है, जल को बाहर निकालता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर हमने OH3 है, तो HNO2 के भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड होता है, ये हम जानते हैं एसिडिक होता है, यानी कि H+ देता है, तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, ऐसे यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से भी H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, तो कितने H2O- हो जाएंगे, 3 H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और क्या बनेगा, CH2O NO2, क्या बना, ये बना हमारे पास TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, या इसको ये भी बोलते हैं ग्लिसरॉल, और इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट TNG, और 3 H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म वही है जो HCl के साथ जैसे हुआ था, यहाँ पर क्या है, HNO3 है, H+ देगा, HNO3 क्या देगा, H+ को कौन ले लेंगे, OH है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, H+ ले लेंगे, तीनों किस्में चेंज हो जाएंगे, OH2+, 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 बचेगा क्या, NO3- ओवरटेक करेगा, OH2+ बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन TNG का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। और ये जो TNG होता है, ये हमने बता दिया कैसा, येल्लो ऑयली लिक्विड होता है, जो कि विस्फोटक होता है, टॉक्सिक है, कैसा है ये, येल्लो पीले रंग का होता है, और वो भी कैसा, ऑयली लिक्विड है, पीला तेलीय द्रव है, आप हिंदी में लिखना चाहे तो पीला तेलीय द्रव। तो इस तरह से ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ TNG का फॉर्मेशन करता है। अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन है एसाइलीकरण, कौन सी है, एसाइलीकरण या एसिलीकरण, हिंदी में जो बोलते हो तुम, एसिलीकरण कुछ भी बोलिए, ये मिटा दूं मैं, जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। यहां पर अगली जो रिएक्शन है वो है एसिटिलीकरण या एसाइलेशन अभिक्रिया। ये तो हमने बहुत की थी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसके साथ, या तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं, या एसिटल क्लोराइड के साथ कराएं, तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे मिटा दूं मैं, तो हम लिख सकते हैं किसके साथ, या तो CH3COCl, क्या है ये, एसाइल क्लोराइड, या इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, Ac2O, ये क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो के साथ अभिक्रिया करने पर किसका निर्माण होगा, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का निर्माण होता है, यानी कि तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बना लेंगे, एस्टर,
ये जो रिएक्शन है इसी को एस्टर रिएक्शन भी बोलते हैं। याद हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एस्टर बनाना सिखाया था, बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगी, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। वहां पर हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम किसके साथ कराते हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इसके साथ क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। तो क्या बनता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। कैसे होगी वो देखते हैं हम, CH2OH ये है हमारे पास, ये है हमारा ग्लिसरॉल, ये ले लिया हमने, क्या ले लिया, CH3COCl ले लिया, कितने मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, कितने, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो क्या बनेगा, तो फॉर्मेशन होगी यहां पर, यहां से बाहर क्या निकलेगा, Cl- और H+, यानी -3HCl, तीन HCl बाहर निकलेंगे, हम बाहर लिख देते हैं, ये बनेगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्लस 3HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का निर्माण होगा। ये रिएक्शन कैसे होगी वो बता देती हूँ, वरना फिर सोचोगे, पीछे तो पलट के देखना चाहते नहीं हो तुम लोग, कोई बात नहीं बता देते हैं एक बार शॉर्ट में मैकेनिज्म, बाकी समझदार तो तुम लोग लगते नहीं हो मुझे, देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास CH2OH CHOH CH2OH, इस तरह से इसके साथ रिएक्शन हुई है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये होता है डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन होता है डेल्टा पॉजिटिव, क्यों होता है हजार बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो पहले तो ये बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन पर, ओ माइनस बनाएगा, फिर माइनस चार वापस नीचे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, Cl माइनस, तो यहाँ से बाहर निकलेगा Cl माइनस, बचेगा क्या, CH2O यहाँ पर है H, और ये ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही तीन बॉन्ड बनाएगा और ये जुड़ गया, बाकी है CHOH और नीचे है CH2OH, फिर क्या होगा, Cl माइनस यहाँ से H प्लस को ले लेगा, और ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तीन तीन बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या बनाएगा ये CH2, ये बनाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CHOH और इसके बाद CH2OH। इसी तरह से बाकी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी इसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ बाकी के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिएक्ट करेंगे सेम इसी तरीके से, और फाइनली क्या बना लेंगे, फाइनली बना लेंगे CH2O। ये जो ग्रुप होता है इसको ही हम बोलते हैं क्या, AC ग्रुप, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, AC ग्रुप। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, OAC CH OAC CH2 OAC, इस तरह से इसका निर्माण हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का। दिख नहीं रही, अब दिख रही होगी, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म, इस तरह से होता है, ऐसे निर्माण होता है इसका। आगे चलें, बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी होगी। अगर हम ये ले लें, इसकी जगह ये ले लें AC2O, एसिटिल एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है, ये होता है, यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर HCl बाहर निकला था, यहाँ पर कौन बाहर निकला था, HCl, यहाँ HCl बाहर निकला था, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बाहर कौन निकलता है, ये निकलेगा बाहर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर कौन बाहर निकलेगा, एसिटिक एसिड। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन निकलेगा, एसिटिक एसिड। रिएक्शन सेम बिल्कुल इसी तरह होगी, बस इसकी जगह पर कौन ले लेना है, इसको ले लेना है, और इस तरह से रिएक्शन होगी और ये बाहर निकल जाएगा, सेम टू सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। मैकेनिज्म आप खुद कर लीजिएगा, करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, खुद की मेहनत करोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, और खुद मेहनत नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें कभी भी कोई भी जिंदगी में कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है, मिटा दो इसे, आगे रिएक्शन देखते हैं।
और क्या रिएक्शन होंगी? अगली जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगली जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। जो अगली रिएक्शन है वो है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है दो टेम्परेचर्स पर होती है, पहले हम देखेंगे कम टेम्परेचर पर, फिर हम देखेंगे हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। पहले देखेंगे कम टेम्परेचर पर, फिर देखेंगे हाई टेम्परेचर पर, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया, आप इसे केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब हम इसकी रिएक्शन 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास? तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट बनता है, जो बाद में क्या करेगा, CO2 को त्याग कर ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट में बदल जाता है, ठीक है। और बाद में हमें क्या मिलता है? फॉर्मिक अम्ल और ग्लिसरॉल। तो होगा क्या, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? पहले तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट बनता है, जो CO2 को त्याग कर ग्लिसरॉल क्या बनाता है? CO2 को त्याग देगा, और CO2 को त्याग कर क्या बनाता है? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, मोनो फॉर्मेट बनाता है, दिख तो रहा होगा ना, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनाता है, जो फिर ये दोबारा रिएक्शन होगी ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की, जो क्या करेगा, जो जल अपघटन पर क्या बनाएगा, जिसका हम जल अपघटन कराएंगे, तो जो जल अपघटन पर क्या बनाता है, वापस ग्लिसरॉल तथा फॉर्मिक अम्ल बनाता है। तो यानी कि जब हम टेम्परेचर लो रख रहे हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं, तो रिएक्शन केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर होगी, तीन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ना, तो तीनों पर ना होकर केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर होगी। यानी कि मैं लिख लूं CH2OH, CHOH, CH2OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख लूं, ऑक्सैलिक अम्ल सॉरी क्या होता है, COOH, COOH, या फिर ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड O OH, ये भी होगा C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। जब रिएक्शन हो रही है कितने पर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रही है, 110 पर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑक्सैलिक एक अम्ल होता है, यहाँ से H प्लस देगा, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, एक H2O। टेम्परेचर कम है तो केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी, अगर टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे वो हम देखेंगे दूसरी बार में, पहले कम टेम्परेचर पर देखते हैं फिर हाई टेम्परेचर पर देखते हैं। तो यहाँ से ये बाहर निकला, बना क्या, CH2O, C डबल बॉन्ड O, COOH, ये जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गए ऑक्सीजन से, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला तो ऐसे ही रहा, बाकी CHOH, CH2OH, यहाँ पर क्या आ गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये है हमारे पास COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद रखना, जहाँ पर भी आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और आगे हीट यानी गर्म करना हो, तो उसमें से हमेशा CO2 गैस बाहर निकलती है, ये कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन बात है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हीट करेंगे तो CO2 गैस कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कौन बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, बनेगा क्या, CH2O, C डबल बॉन्ड O, और ये जो H प्लस निकला था यहाँ C माइनस, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा।
ठीक है, यहां से क्या निकला था H प्लस, और इस पर ये बॉन्ड आया तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव, तो H प्लस और नेगेटिव मिलकर यहां पर बॉन्ड बना लेंगे, यानी सी एच बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया वहां पर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, क्या बना है ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बना है, पहले बना था ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट और बाद में क्या बना है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है। अब हम मैं क्या कराऊंगी इसका जल अपघटन कराऊंगी, जल अपघटन किसके साथ H2O के साथ, क्या कराऊंगी जल अपघटन। अब जल अपघटन कराना तो जल तो होना ही पड़ेगा ना, तो जल क्या होता है H प्लस और यहां पर क्या होता है OH माइनस, H प्लस और OH माइनस होता है ना, तो क्या होगा ये OH माइनस जाएगा, मैं से लिख सकती हूँ H प्लस OH माइनस, ये जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा और ये इधर ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा सी एच टू ओ एच, फिर सी एच ओ एच और बाकी तो ऐसे का ऐसे ही था सी एच टू ओ एच, बाहर क्या निकला, बाहर निकला एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या बाहर निकला फॉर्मिक एसिड, ये क्या है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, और वापस हमें क्या मिला ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, शुरू किया था ग्लिसरॉल के साथ, एंड भी हमें किसके साथ हुआ ग्लिसरॉल के साथ, लेकिन साथ में हमें क्या मिला फॉर्मिक एसिड, तो ऑक्सैलिक अम्ल जो लिया था हमने वो किस में चेंज हो गया फॉर्मिक एसिड में चेंज हो गया, और ग्लिसरॉल हमें वापस मिल गया, और रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है कि किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, इसका OH इसका H मिलकर बाहर निकला, ये दोनों आपस में जुड़ गए, जब इसको गर्म किया तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकली CO2 गैस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ऊपर गया नीचे आया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या बना COOH, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम एस्टर का जल अपघटन कराते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एस्टर का जल अपघटन, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है, OH माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल पर, क्योंकि कार्बन कैसा है डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो OH माइनस अटैक करेगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा, और यहाँ से क्या निकला यहाँ से H प्लस है, ये O माइनस बनेगा, यहाँ H प्लस है ये OH को ले लेगा और क्या बना लेगा ग्लिसरॉल बना लेगा और ये बन जाएगा। तो एक रिएक्शन तो ऐसे होती है, और बाकी की देखेंगे हम हाई टेम्परेचर पर, जब हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो क्या होगा नोट कीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं हम हाई टेम्परेचर पर क्या होता है। ठीक है मिटा देते हैं, ये तो लो टेम्परेचर पर देखिए 110 पर, अब देखेंगे हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अगली रिएक्शन कराएंगे 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया ग्लिसरॉल से कराने पर पहले क्या बनता है, पहले पहले बनता है ग्लिसरॉल डाई ऑक्सिलेट, वहां पर क्या बना था मोनो ऑक्सिलेट, यानी कि वहां पर केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन हुई थी, यहाँ क्या बन रहा है डाई ऑक्सिलेट, यानी कि यहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी, तो बनता है जो जो वहां एक CO2 मॉलिक्यूल निकला था यहाँ पर दो CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो जो दो CO2 त्याग कर क्या बनाता है इलाइल एल्कोहल बनाता है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा इलाइल एल्कोहल, वहां पर क्या बनाता फॉर्मिक एसिड, ठीक है देखते हैं कैसे होगी। सेम ही रिएक्शन है, बस क्या है जब टेम्परेचर हाई कर दिया है, टेम्परेचर जब लो था तो केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन हुई थी, अब टेम्परेचर हाई कर दिया है तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी, तो यह बनेगा ऐसे लिख दिया मैंने से, यहां से क्या होगा इसका OH माइनस इसका H प्लस इसका OH माइनस इसका H प्लस माइनस 2H2O हो जाएगा, कितने पर 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तब, ठीक है। जब हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो यहां से दो H2O बाहर निकल जाएंगे, क्या बनेगा
इस तरह से बना। यहाँ पर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगी, जैसे ही मैं इसे आगे गर्म करूंगी, तो यहाँ से दो CO2 बाहर निकल जाएंगी। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, तो दो CO2 तो बाहर निकल जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा CH2, डबल बॉन्ड CH, CH2, OH। यही तो है हमारा एलाइल एल्कोहल। तो यही तो बोला मैंने, एंड में क्या बनता है? एलाइल एल्कोहल बनता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। नोट कीजिए जल्दी से। फिर इनकी लास्ट रिएक्शन देखते हैं, इनका ऑक्सीकरण। उसके बाद ये खत्म, एल्कोहल्स पूरे खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनॉल शुरू करेंगे। ठीक है, मिटा देती हूँ। जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो देखना ही पड़ेगा भाई, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण देखते हैं भाई हम। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ। ऑक्सीकरण देखते हैं भाई, हमारे पास ये है, जब मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगी, पहले करा रही हूं मैं किसके साथ, या फिर डाइल्यूट HNO3 ना लेकर हम एक कॉमन लेकर चलते हैं, सारे ही ऑक्सीकारकों के साथ। ठीक है, देखते हैं अगर मैं इसका एक कॉमन ऑक्सीकरण कराती हूँ कि इनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, फिर हम देख लेंगे कि किस ऑक्सीकारक को लेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगी तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसा कि मैंने बताया, 1 डिग्री अल्कोहल ये वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसका ऑक्सीकरण होगा और क्या बनाएगा? CHO। ये तो मैं मोनोहाइड्रिक में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होते हैं, फिर और आगे ऑक्सीकरण कराएं तो फिर एसिड बना लेते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट एसिड में भी ऑक्सीकृत हो सकते हैं। तो पहले बनेगा ये A होना, ठीक है, इसका मैंने आगे ऑक्सीकरण कराया तो क्या होगा? CHO ग्रुप है, मैंने बोला आगे ऑक्सीकरण कराऊंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। ये बना CH2OH, ये बना हमारे पास बी मॉलिक्यूल, ये बना बी मॉलिक्यूल। पहले क्या बना? पहले बना हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड, पहले क्या बना? ग्लिसरेल्डिहाइड। फिर ये जो है इसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या बना? ये ग्लिसरेल्डिहाइड से अम्ल में चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे ग्लिसरिक एसिड बन गया, ग्लिसरिक एसिड। आगे और ऑक्सीकरण कराऊंगी तो क्या होगा? अभी तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीकरण हुआ है, अभी तो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी तो बचा है, ये पहले ऑक्सीकरण होगा CHO में, फिर इसका आगे ऑक्सीकरण होगा COOH में। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ऊपर वाला तो ऑक्सीकृत हो ही चुका है, इसके बाद अब कौन सा ऑक्सीकृत होगा? नीचे वाला। ये बना सी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम टार्टोनिक एसिड, ऑक्सीकृत हो गया। हम जानते हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है, लेकिन 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 अब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, आगे मैं इसका और ऑक्सीकरण कराऊंगी तो टार्टोनिक एसिड बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस, अगर हम डाइल्यूट HNO3 लें या कंसंट्रेट HNO3 लें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो भी देख लेते हैं भाई। लेकिन उससे पहले, अभी तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया है, ये तो रह गया ना, ये वाला तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रह गया, क्या इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इस वाले ग्रुप का ऑक्सीकरण कराएं, बीच वाले, इस वाले कार्बन का, तो क्या होगा? इसको तो ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पर क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ, पर यहाँ पर बनेगा CH2OH, क्या बनेगा? CH2OH बनेगा। इसको और आगे ऑक्सीकरण कराऊं, इसका
और आगे ऑक्सीकरण कराऊं तो क्या होगा, आगे ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से, यहाँ से बनेगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा COOH, है ना। तो इस तरह से हम, ये बना C, ये इसको मैं नाम दे दूँ D, और इसको मैंने नाम दे दिया E। तो जितने भी ऑक्सीकरण से प्रोडक्ट बनेंगे उन सबको हमने यहाँ पर आकर लिख लिया है। अब हम देखते हैं किसके साथ क्या बनेगा। तो अगर हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हैं, तनु HNO3, तो तनु HNO3 के साथ क्या बनता है, A, B तथा C प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर तनु HNO3 लिया होता तो पहले ये बनता, फिर ये बनता और फिर वो बनता, तो तीन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन तनु की जगह अगर हम डाइल्यूट की जगह हम कंसंट्रेट लेते, सांद्र HNO3 लेते, तो क्या बनता, तो जब हम सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराते तो मेनली हमारा ये बनता, बी मुख्यतः बनता। तो कौन मेनली प्राप्त होता, बी प्राप्त होता, कौन, बी प्राप्त होता। अगर यही रिएक्शन किसके साथ कराते, बिस्मिथ नाइट्रेट से कराते, यानी बिस्मिथ नाइट्रेट से ऑक्सीकरण कराते तो क्या बनता, तो डायरेक्ट ये बनता। अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ कराते, बिस्मिथ नाइट्रेट, बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ ऑक्सीकरण पर क्या बनता, ई मुख्यतः प्राप्त होता, कौन प्राप्त होता, ये प्राप्त होता, डायरेक्ट बनता, यही बनता, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते, या सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ, या फेंटोन अभिकर्मक के साथ कराते, तो हमको ए और डी प्राप्त होता, ये और ये प्राप्त होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ या सोडियम हाइपो क्लोराइड लेते, या इसकी जगह हम क्या लेते, फेंटोन अभिकर्मक। जानते हो ना फेंटोन अभिकर्मक, नहीं जानते तो थर्ड ईयर में पढ़ोगे, ये होता है Fe SO4 और H2O2 का मिक्सचर, ये बनता है, ठीक है, इसको फेंटोन अभिकर्मक बोलते हैं। तो के साथ ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता, ए तथा डी प्राप्त होता। यानी कि अगर हमने ये वाला रिएजेंट लिया होता तो क्या मिलता, ए बी और सी मिलते, तीन स्टेप में होती रिएक्शन। अगर कंसंट्रेट HNO3 लिया होता तो डायरेक्ट ये बनता, क्योंकि वो कंसंट्रेट HNO3 ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, कंसंट्रेट HNO3 ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर बिस्मिथ नाइट्रेट लेता तो बस केवल ये प्रोडक्ट बनता, डायरेक्ट इसमें ऑक्सीडाइज कर देता। अगर इन तीनों में से कोई एक लिया होता तो क्या बनता, ए और डी का मिक्सचर प्राप्त होता, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग ऑक्सीकारक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। आगे देखते हैं अगर हम ये रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ, ठीक है, जैसे कि हमारा KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो क्या मिलेगा हमें, के साथ ऑक्सीकरण करने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये था हमारे पास CH2OH, CHOH, CH2OH। अगर हमने प्रबल ऑक्सीकारक लिए हैं, जैसे कि या तो KMnO4 लिया है या फिर K2Cr2O7 लिया है, तो रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं भाई। तो रिएक्शन कैसे होगी, ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक है तो किसको, 2 डिग्री जो अल्कोहल है इसको प्रभावित करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये चेंज होगा पहले इसमें, ठीक है, फिर आगे ऑक्सीकारक है भाई, प्रबल है, यहाँ पर तो रुकेंगे नहीं, आगे ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे, आगे ऑक्सीकरण करेंगे, और आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो फिर वही जो हम करते आ रहे थे, फिर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देंगे CHO में, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, नीचे है CH2OH, रुकेगा नहीं ऑक्सीकरण,
आगे भी ऑक्सीकरण होगा, क्या करेंगे CHO में किया है इसको और आगे ऑक्सीकृत कर देगा किसमें COOH में, सी डबल बॉन्ड O, ये बना CH2OH, क्या बना ये कौन सा एसिड बना है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी पाइरूविक एसिड, क्या है ये जो बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी पाइरूविक एसिड, ठीक है। आगे ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे आगे ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये तो COH में चेंज हो गया है, अब इन दोनों का तो ऑक्सीकरण हो गया, अब इनका तो और आगे नहीं हो सकता, तो किसका ऑक्सीकरण होगा जो बचा हुआ है, तो कर दो भाई इसका भी ऑक्सीकरण कर दो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर COOH बन गया, क्या बन गया COOH, इसी का नाम है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम मीसोक्सैलिक एसिड, मीसोक्सैलिक एसिड है ये, क्या है मीसोक्सैलिक एसिड, ये बना। आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीकरण, तो यहाँ से क्या होगा ये क्लीव हो जाएगा, यहाँ से डीकार्बोनाइलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीकार्बोनाइलेशन, यानी CO जो ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, तो बचा क्या, बचा COOH, और यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बना देते हैं, तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बना ये बना COOH और COOH, ऑक्सैलिक एसिड, क्या प्राप्त हुआ ऑक्सैलिक एसिड, और आगे अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का हीट करेंगे या आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ठीक है ऑक्सैलिक एसिड बना, आगे इसका भी ऑक्सीकरण कर दूं मैं, आगे रिएक्शन कर दूं तो यहां से क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे ही ऑक्सीकरण करूंगी हीट करूंगी यहां से क्या बाहर निकल जाएगी CO2 गैस, कितने दो मॉलिक्यूल तो निकलेंगे यहां से CO2 के, प्लस यहां से क्या निकलेगी H2 गैस निकलेगी बाहर, तो फाइनली ये ऑक्सीकृत होकर किस में चेंज हो जाएगा CO2 और H2 गैस में चेंज हो जाएगा, अगर हम KMnO4 लेंगे या K2CrDO4 लेंगे वो भी कैसा अम्लीय है, कैसा अम्लीय है, अम्लीय यानी कि इनका अम्लीय माध्यम में लेंगे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो ये इतने ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसको ऑक्सीकृत करते 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 फाइनली किस में चेंज कर देते हैं CO2 और H2O में, CO2 एंड H2O, सॉरी H2 गैस नहीं H2O बनेगा, तो यहां से फाइनली CO2 निकलती है बाहर और H2O, क्योंकि यहां से KMnO4 से ऑक्सीजन भी तो मिल जाएगा, तो H2O ये रिएक्शन हुई। अब इसकी एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम पर आयोडिक अम्ल के साथ, वहां पर भी ऑक्सीकरण में ही आती है, और ये रिएक्शन मैं पहले भी करा चुकी हूं पर आयोडिक अम्ल के साथ जो होती है, पर आयोडिक अम्ल याद है ना HIO4 के साथ, तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है ना, तो अगली रिएक्शन है HIO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर, याद होगा आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ये क्या होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है तथा एल्डिहाइड तथा होता है, इतना लिखो फिर प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे, ये है हमारे पास ये रिएक्शन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है HIO4 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ डबल बॉन्ड ओ ओ एच और डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है हमारे पास HIO4 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, क्या करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेंगे यहाँ पर, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा ठीक है, फिर क्या होगा आगे, तो ये बनेगा CH2OH CHO, ये जुड़ जाएंगे किससे आयोडीन से, यहां पर क्या बना O- क्या करेगा यहां से H+ ले लेगा, तो ये बनेगा OH, यहां पर बनेगा OH, एक OH पहले से ही था और डबल बॉन्ड में O है, इसके बाद क्या होगा क्लीवेज होगा, कैसा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर,
ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास सी एच टू ओ एच, ये बना सी एच सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस, क्या बना हमारे पास, एक तो बना सी एच ओ, ये बना ना, क्या बना यहाँ पर सी एच ओ, फिर आगे क्या होगा, फॉर्मल डिहाइड बना यहाँ पर, क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मल डिहाइड बना, ये सी एच टू था ना इसलिए, तो एच सी एच ओ बना। अब ये है यहां पर क्या होगा, ये एच सी एच ओ में एक तो टूट गया, एक का तो ऑक्सीकरण हो गया फॉर्मल डिहाइड में, अब यहां पर क्या होगा एच टू ओ रहेगा, विलियन में लेंगे तो एच टू ओ यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, नीचे लिख देती हूँ दिखाई नहीं देगा नहीं तो, फिर आगे क्या होगा सी एच टू ओ एच है यहाँ पर, सी एच है एच टू ओ ने अटैक किया है तो ओ माइनस, और यहां पर क्या है ओ एच प्लस है, तो ये यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, ये यहां पर अटैक किया एच प्लस ले लिया यहां से, तो क्या बना, ये बना सी एच टू ओ एच और ये बना सी एच, इधर भी ओ एच है और इधर भी क्या आ गया ओ एच आ गया, ठीक है, फिर से इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, एच आई ओ फोर के साथ, अब फिर से डाईओल बन गया ना, बिल्कुल इसकी तरह डाईओल बन गया, फिर से रिएक्शन होगा यहां पर, ठीक है, फिर से ये बनेगा, तो मैं डायरेक्ट बना दूं इसे, बिल्कुल ऐसे ही फिर से रिएक्ट करेगा इस पर, फिर से ये बनेगा, तो मैं डायरेक्ट बना दूं, तो बना देती हूँ डायरेक्ट, तो ये बनेगा सी एच टू ओ सी एच, यहाँ पर ओ एच तो पहले से ही था ओ, ये दोनों किससे जुड़े होंगे आयोडीन के साथ, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, इसके बाद क्या होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, पूरा टूट गया, किस में टूट गया, यहां से एक तो बना एच सी एच ओ और एक क्या बना एच सी ओ ओ एच, एक क्या बना एच सी ओ ओ एच, एक तो बना कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे ही यहाँ आएगा क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड हो जाएगा और ओ एच, तो एक तो बना एच सी ओ ओ एच और एक बना एच सी एच ओ, तो इस तरह ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है इसका, और दो तो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक क्या बनता है एसिड का मॉलिक्यूल बनता है, प्लस बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, यहां से बाहर क्या निकलेगा भाई, यहां से क्या बाहर निकला, कुछ और भी तो मिला हमको, यहां से कुछ और भी तो मिला, क्या मिला आई, जैसे ही ये बॉन्ड यहां आएगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहां आएगा तो ओ एच बाहर निकल जाएगा एच टू ओ के साथ, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा एच टू ओ के साथ, ये यहां पर आएगा बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड यहाँ क्लीव हुआ ओ एच बाहर निकला इसका एच प्लस लेकर, तो क्या बन जाएगा लास्ट में, मिल जाएगा हमको एच आई ओ थ्री मिलेगा, क्या मिलेगा लास्ट में एच आई ओ थ्री मिलेगा प्लस एच टू ओ मिलेगा, यहाँ से क्या मिलता है एच आई ओ थ्री मिलता है प्लस एच टू ओ मिलेगा, एक एच आई ओ थ्री यहाँ मिलेगा और एक एच आई ओ थ्री हमको यहाँ पर भी मिलेगा, तो दो एच आई ओ थ्री और दो एच टू ओ मिलेंगे, कितने मॉलिक्यूल एच टू ओ और एच आई ओ थ्री के दो, एक यहाँ से भी तो मिलेगा, ये टूटेगा ना, जैसे ये बॉन्ड यहाँ आया ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा इसका एच प्लस लेकर जाएगा तो एच टू ओ, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ क्लीव ब्रेक होगा, ऐसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से ओ एच माइनस और एच प्लस एच टू ओ बाहर निकलेगा, यहाँ से ओ एच माइनस एच प्लस एच टू ओ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बना था एच आई ओ थ्री बना था, क्या बना था एच आई ओ थ्री बना था, तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बाद हमारे पास क्या बनते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिड में टूट जाता है पूरा का पूरा ग्लिसरॉल, इस तरह से ये ऑक्सीकरण की रिएक्शन खत्म हुई। एक लास्ट रिएक्शन बचे हुए जो है बेंजल्डिहाइड के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन बची हुई है किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कैसे होगी वो देखते हैं हम, बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर निर्माण होता है किसका, चक्रीय ईथर का निर्माण होता है, ये रिएक्शन पहले भी करा चुकी हूं मैं, जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है किसमें, अम्लीय माध्यम है, तो किसका निर्माण होता है, बताया था ना
साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल का निर्माण होता है ना, बताया था किसका, साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल का निर्माण होता है। कैसे होगा देख लेते हैं, ये है हमारे पास CH2OH, CHOH और ये हमारे पास CH2OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा देखते हैं, बेंजिलडिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड S लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड O H CH2 और ये जुड़ा हुआ है बेंजीन की रिंग से, ये होता है बेंजिलडिहाइड। क्या है ये, बेंजिलडिहाइड है। क्या होगा ये रिएक्शन, किसके माध्यम में होंगी, अम्ल जरूर प्रेजेंट होगा, अम्ल जरूर प्रेजेंट होगा, HCl अम्लीय माध्यम में होती हैं, तो क्या हो जाता है प्रोटेक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, प्रोटेक्शन रिएक्शन है किसकी, ये जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप की प्रोटेक्शन रिएक्शन है, इनको बचाने के लिए, हमको कोई रिएक्शन से बचाना है, किसी रिएक्टेंट से इनको बचाना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिएक्ट ना हो, तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे करेंगे, उसके लिए प्रोटेक्शन में क्या यूज करते हैं, अम्ल और एल्कोहल से प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, इसका एच, ठीक है, इसका एच और इसका ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, एच एच और ऑक्सीजन मिला के यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, सी एच टू ओ सी एच, सॉरी ये तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ये तो क्या होता है, ये तो कम रिएक्टिव है, तो ये वाला एच, ठीक है, ये वाला एच, ये वाला एच और ये ऑक्सीजन एच टू ओ बाहर, ये तो रिएक्ट किया ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये सी एच टू और ये है ओ, किस पर जुड़ जाएंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप पर जुड़ जाते हैं, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, H तो इससे पहले से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर जुड़ी हुई इससे क्या, बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन गया, ये बन गया चक्रीय एस्टर, क्या बन गया, चक्रीय एस्टर, ठीक है, सॉरी एस्टर नहीं है, क्या है, ईथर है, गलती से एस्टर लिख गया हूँ, इतना तो सही कर लेना, क्या बना है, चक्रीय ईथर का निर्माण होता है। इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन हो गया, अब कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक नहीं होगा, ये प्रोटेक्शन रिएक्शन है किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये रिएक्शन मैंने ऐसी पहले भी कराई है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप का यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है एल्कोहल। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे फिनॉल, लेकर आएंगे फिनॉल को देखेंगे, फिनॉल चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।